बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान उड़ीसा के तटों से टकरा चुका है। इसका असर अब बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग जमुई जिले में हैं, जहां साइक्लोन दाना का असर देखने को मिल रहा है। बात करें तो बीते 24 अक्टूबर की रात से ही जिले में लगातार बारिश हो रही है। मौसम भी जो है वो बारिश का बना हुआ है। पिछले कुछ घंटों की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही है, लेकिन जमुई में साइक्लोन दाना का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बांका, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जो जितने भी जिले हैं जो झारखंड के सीमावर्ती जिले कहे जाते हैं, वहां भी साइक्लोन दाना का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके का जो मौसम है साइक्लोन को लेकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के जो झारखंड के सीमावर्ती जंगल है किदेश्वर, वहां पे खड़े हैं। आपको दिखाएं कि जो ये पूरा वन्य क्षेत्र है, वहां पे बादल की किस तरीके से बादलों ने उस इलाके को पूरा घेर रखा है। बारिश का मौसम है और बारिश जो जिस तरीके से हो रही है, पिछले 24 अक्टूबर की रात 12 बजे से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। साइक्लोन को लेकर 23 अक्टूबर की रात भी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद 24 अक्टूबर की सुबह से मौसम थोड़ा साफ हुआ था। वहीं बात करें तो जमुई जिले के सिमुलतला, झाझा, चकाई जैसे कुछ ऐसे हिस्से थे जहां दोपहर बाद भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, पर अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में बारिश देखने को नहीं मिली थी। परंतु 24 अक्टूबर की रात से लगभग पूरे जिले में बारिश हो रही है। बारिश के कारण धान की फसलों को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचने की सूचना है, क्योंकि ये जो मौसम है वो धान की खेती का मौसम है और इस वक्त धान के फसल में बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो कई ऐसे जगह हैं जहां धान की फसल पूरी तरीके से गिर गई है। वहीं अगर मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो 25 अक्टूबर को पूरे दिन बिहार के जो दक्षिण पूर्व बिहार है वहां भारी बारिश हो सकती है और उसका अलर्ट जारी किया गया है और उसका असर जो है वो देखने को मिल भी रहा है। अगर हम लोग बात करें तो जो बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार का इलाका है, जिसमें बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जैसे जिले शामिल हैं, वहां भी आज और कल यानी 26 अक्टूबर को भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश की आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग के द्वारा और जो चक्रवात है दाना तूफान का असर इन जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिण मध्य बिहार के जो जिले हैं वहां भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है, जिसमें शेखपुरा, नवादा जैसे जिले शामिल हैं, तो इन जिलों में भी बारिश की को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद हम बताएं तो जो बारिश लगातार हो रही है जमुई जिले में, उसके कारण तापमान में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिस कारण लोगों को सिहरन भी महसूस हो रही है और बारिश के कारण लोगों को ठंड की भी अनुभूति हो रही है। अगर हम लोग मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों में जमुई जिले का मौसम लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे चला जाएगा। आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 22 से 24 तथा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर को भी जिले के कई हिस्सों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा लोगों को सुरक्षित रहने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है, तथा इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमुई, लखीसराय, बांका, ये इतने जो भी ये सारे जिले हैं उन जिलों में आने वाले 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तथा किसानों के लिए खासकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि बारिश के दौरान वज्रपात की प्रबल संभावना है, ऐसे में जितने भी किसान हैं उन्हें खेतों में नहीं जाना चाहिए। अगर बारिश होती है तो जो कच्चे मकान या टीन के घरों में रहने वाले लोग हैं उनसे भी उनको भी कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो आने वाले 2-3 दिनों में जमुई जिले में, खासकर जमुई के आसपास जो झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं, जिसमें लखीसराय हो, बांका हो, जहानाबाद हो, इन सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि यहाँ बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ऐसे में 25 अक्टूबर की रात जब उड़ीसा के तट से ये चक्रवात दाना टकराया है, उसका असर जो है वो इन जिलों में देखने को मिल रहा है, तथा मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोकल टीम के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।